आज से लगभग 15-20 साल पहले ऐसा टाइम बीता जब रियल मैड्रिड बैंक्रप्टसी के कगार पे थी, और ऐसे में जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे फ्लोरेंटिनो पेरेज, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो रियल मैड्रिड को ऑन पिच और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी वर्ल्ड बेस्ट के स्टेटस पे वापस लेके आए। ऐसे में यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स और अनप्रेडिक्टेबल मेथड को अडॉप्ट किया। अब यहाँ से रियल मैड्रिड एक सीरीज ऑफ साइनिंग करती है जो गैलेक्टिको एरा को डिफाइन करती है, और ऐसे में रियल मैड्रिड ने ये करा कि जो भी प्लेयर यहाँ पर साइन करेंगे उसके स्पॉन्सरशिप वैल्यू के हम 50% अपने पास रख लेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है, कोई भी प्लेयर अपनी स्पॉन्सरशिप वैल्यू की 50% किसी के साथ शेयर क्यों करेगा? अब देखो यहाँ पर दोनों पार्टीज का फायदा था। सबसे पहले तो जो भी प्लेयर रियल मैड्रिड खरीदेगी उस प्लेयर के पास ये बेस हो जाएगा कि रियल मैड्रिड बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड उसको स्पॉन्सरशिप ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, और रियल मैड्रिड इसी सीरीज ऑफ इवेंट में यहाँ पर जो भी स्पॉन्सरशिप वैल्यू आएगी उसका 50% रख भी लेगी, चाहे हम बात करें यहाँ पर जिडान की, चाहे हम बात करें यहाँ पर रोनाल्डो नजारियो की।